सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M51 और सैमसंग गैलेक्सी M31S की। अगर आप इन दोनों फोन पर कंफ्यूज हो कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना, ताकि आप सही से समझ पाओगे और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो आपको ठीक से पता चल जाएगा कि इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना, ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले शुरुआत करते हैं फोन के डिस्प्ले से। सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ जो डिस्प्ले दिया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, 6.7 इंच डिस्प्ले विद 5 वोल्ट डिस्प्ले सुपर एमोलेड प्लस। और सैमसंग गैलेक्सी M31S के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.5 इंच डिस्प्ले विद सुपर एमोलेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो M51 पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो सुपर एमोलेड प्लस, और M31S पर जो डिस्प्ले दिया गया वो आपको सिर्फ सुपर एमोलेड ही मिल रहा है। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 पर आपको डुअल एक्सा-कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, और गैलेक्सी M31S पर आपको क्वाड-कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। गैलेक्सी M51 के साथ जो इंटरनल मेमोरी दिया गया आपको देखने को मिल जाएगा 128 GB, और गैलेक्सी M31S पर आपको 128 GB देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोन की जो इंटरनल है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन की जो रियर कैमरा है वो आपको सेम देखने को मिल जाएगा, 64+12+5+5। दोनों फोन की जो रियर कैमरा है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन की जो बैटरी है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा। गैलेक्सी M51 की जो बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाएगा 7000 mAh की बैटरी, और गैलेक्सी M31S की जो बैटरी है वो 6000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी पर आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा, 32x32। दोनों फोन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन V10। दोनों फोन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों फोन के साथ जो चार्जर दिया गया उसकी जो वाट है वो है 25 वाट की चार्जर। दोनों फोन पर आपको सेम देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन पर जो बैक साइड पर बॉडी दिया गया वो आपको ब्लैक प्लास्टिक पर देखने को मिल जाएगा। बात करूं अगर दोनों फोन की प्रोटेक्शन की, तो दोनों फोन पर जो प्रोटेक्शन दिया गया वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B3। बात करूं अगर दोनों फोन की ताकत यानी चिपसेट की, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, और गैलेक्सी M31S पर जो चिपसेट दिया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा। सैमसंग गैलेक्सी M51 की जो ग्राफिक्स दिया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा एड्रिनो 618, और सैमसंग गैलेक्सी M31S की जो ग्राफिक्स दिया गया वो है मली G72 MP3। सैमसंग गैलेक्सी M51 की जो रैम दिया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा 6 GB, और गैलेक्सी M31S के साथ जो रैम दिया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा 6 GB। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोन की जो रैम दिया गया वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन पर जो आप एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा पाओगे वो है 512 GB। दोनों फोन पर आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M51 की जो चार्जिंग टाइम है वो है 1 घंटा 56 मिनट पे 100% फुल चार्ज हो जाता है, और सैमसंग गैलेक्सी M31S की जो चार्जिंग टाइम है वो है 1 घंटा 32 मिनट पर ये फुल चार्ज हो जाता है। करो अगर दोनों फोन की बूट अप टाइम की, तो गैलेक्सी M51 की जो बूट अप टाइम है वो है 23 सेकंड, और गैलेक्सी M31 की जो बूट अप टाइम है वो है 24 सेकंड। दोनों फोन की जो प्राइस रखा गया यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M51 की जो प्राइस है वो है 22,999, और सैमसंग गैलेक्सी M31S की जो प्राइस रखा गया वो है 19,499। तो आप बात करते हैं इन दोनों फोन की प्लस और माइनस पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M51 की जो डिस्प्ले दिया गया वो है सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, और गैलेक्सी M31S के जो डिस्प्ले दिया गया वो है सुपर एमोलेड। तो ये M31S के मुकाबले M51 की जो डिस्प्ले दिया गया वो अच्छा दिया गया है। तो देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, अगर आप M51 से कुछ भी वीडियो देखते हो तो आपको M31 के मुकाबले इस पर आपको क्लियरिटी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, बस इतना ही। यहाँ पर आपको और भी प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। गैलेक्सी M51 की जो बैटरी दिया गया वो है 7000 mAh की बैटरी, और गैलेक्सी M31S की जो बैटरी दिया गया वो है 6000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो इसके मुकाबले ये जो बैटरी आपको थोड़ा बड़ा दिया गया है। बात करूं अगर सैमसंग गैलेक्सी M51 की चिपसेट प्लस पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, और गैलेक्सी M31S की जो चिपसेट दिया गया वो है एक्सिनोस 9 ऑक्टा। तो इसके M31 के मुकाबले जो M51 की जो चिपसेट दिया गया वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी जो इसके मुकाबले जो इस पर जो चिपसेट दिया गया वो अच्छा दिया गया है। दोनों फोन की जो प्राइस है यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। गैलेक्सी M51 की जो प्राइस है वो है 22,999, और गैलेक्सी M31S की जो प्राइस है वो है 19,499।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो सैमसंग गैलेक्सी M51 को खरीदने के लिए, तो आप ये फोन ना खरीदिए, क्योंकि इसके मुकाबले जो सैमसंग गैलेक्सी M31S की जो सब कुछ फीचर्स है वो प्राइस के अनुसार बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले पर, और आपको बैटरी और आपको प्रोसेसर यानी जो चिपसेट दिया गया यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाए, बाकी सब जो फीचर्स दिया गया वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो देखिए, अगर आपको 20,000 के अंदर आपको अच्छा खासा फीचर्स मिल रहे ओबी M51 के मुकाबले, तो आपको 4,000 क्यों एक्स्ट्रा पे करना। तो इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, आप सैमसंग गैलेक्सी M31S फोन खरीदे। बाकी आपका राय क्या है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ हो।